दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी बिना पेन पेपर के, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में फ्रेंड मैं ऐसी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप इनको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये मैं करने वाला हूँ। 8 चौक 32 होता है, दैट इज ये आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा फ्रेंड। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 33 होता है तो इसका रिमाइंडर आएगा फ्रेंड 10, और इसका रिमाइंडर निकालना है तो इसका तो 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। इसका निकालना है तो 2 1 3 कट गया, मतलब 2 आ गया, दैट इज 1024 हो गया, 4 2 6 कट गया, 1 आ गया, इसका रिमाइंडर 1 आएगा फ्रेंड। इसी तरह फ्रेंड आप भी चुटकियों में निकालेंगे फ्रेंड, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी हमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिखे कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना रहेगा और नंबर हमारा पावर की फॉर्म में है, हाँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इस नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज इसको हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक फ्रेंड? बात तो यही हुई ना कि हमको इस नंबर को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, ठीक? तो ये हो गया। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो बेस है, दैट इज ये जो नीचे नंबर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब रहता है। तो ये जो बेस है ना फ्रेंड, इसी को अकेले 8 से डिवाइड कर लीजिए, जिससे हमें डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो यहाँ हम निकाल देते हैं, तो ये क्या है, 31 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक? अब आप फ्रेंड सोच रहे होंगे कि ये -1 कैसे आएगा, ये निगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया? तो फ्रेंड इसके लिए बस आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख लिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक? और नहीं तो आप अगर सोच रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेके चले तो वो भी हो सकता है क्या? तो हाँ फ्रेंड, हो सकता है। जैसे अगर आप इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 3 24 होता है, मतलब 7 आएगा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन फिर अब आप खुद ही सोचिए, 7 की पावर 4 निकालना कुछ लेंदी नहीं हो जाएगा फ्रेंड? इसीलिए फ्रेंड हम निगेटिव रिमाइंडर लेके चलते हैं। हम कभी कभी पॉजिटिव भी ले लेंगे, जो इजी पड़ेगा वही ले लेंगे, ठीक? तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हम निगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, 8। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, हमने तो अकेले बेस को छेड़ा है ना, बेस पे काम किया, तो पावर तो हमारा वैसे ही रहेगा, तो पावर हमारा वैसे ही रह गया, ठीक? अब आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो आया इसको सॉल्व करना है, दैट इज न्यूमरेटर में जो है हमारा पावर के फॉर्म में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इवन नंबर है ना पावर में, और यह -1 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 हो गया। और 1/8 कर देना है, मतलब 1 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, बात तो हमारी वही हुई। तो अब जानते हैं 1 जो है छोटा है, पॉजिटिव भी है 8 से, मतलब ये 1 ही हमारा रिमाइंडर हो गया। समझ में आया ना फ्रेंड, है ना बहुत आसान। हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, जो नंबर दिया है सबसे पहले उसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालो, और जो रिमाइंडर आएगा फ्रेंड, जैसे यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर आया उसका पावर जो है उसको पावर कर निकाल लो, मतलब इसका रिजल्ट निकालो, और जो रिजल्ट आया उसका बाद में रिमाइंडर निकाल दो, खत्म बात। नहीं समझ में आया, चलिए मैं एक और क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा कुछ यहाँ पे ये है, ठीक? अब देखिए इसको करना है कुछ नहीं, बहुत आसानी से करेंगे, 2 से डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम -1 भी रिमाइंडर ले सकते हैं और +1 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पास में दोनों 1 है, इनका पावर निकालना आसान है। तो हम दोनों करके दिखा देते हैं आपको। जैसे हम -1 लेंगे तो क्या आएगा, तो -1 जब लेंगे तो वो भी हो जाएगा -1 की पावर 127, और ये क्योंकि यहाँ पे 127 है तो यही यहाँ पे चला जाएगा। तो -1 की पावर 127/2, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, तो दैट मीन्स -1 की पावर 8 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा और /2। अब फिर यहाँ पे देखिए निगेटिव है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब निगेटिव रहेगा कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो दैट मीन्स यही हमारा रिमाइंडर होगा, 1 ही हमारा रिमाइंडर है। और नहीं तो फ्रेंड, अगर आप पॉजिटिव वाला रिमाइंडर लेके चल रहे हैं तो उससे देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर क्या है, 127/2 रहेगा, मतलब 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अब फ्रेंड हम जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी रहे हमेशा 1 ही आने वाला, दैट इज ये 1 आ जाएगा, और 1 जो है 2 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी, मतलब यही हमारा रिमाइंडर हो गया, खत्म बात। तो है ना फ्रेंड, बहुत कमाल की ट्रिक है ना फ्रेंड, इसी बात पे तो एक लाइक बनता है। तो अब चलिए फ्रेंड हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या जरूरी है हमारा हमेशा रिमाइंडर 1 ही आए या -1 ही आए, कुछ और आ गया तो क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारा ये है, अब यहाँ पे देखिए इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जो मल्टीपल बन रहा है 3 का काट दो, 1 1 1 3 हो जाएगा, काट दिया। अब इसका करेंगे तो आ जाएगा 2, रिमाइंडर हमारा इसका आएगा 2। अब आपको ये नहीं समझ में आया कि ये मैंने कैसे किया, तो फ्रेंड इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, आप तब डिटेल में देख लीजिएगा। नहीं, आप सिंपल सा अभी समझिए, जैसे हम रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए हमने, मैंने आपको ट्रिक बताई है ना कि कुछ नहीं, जो 3 का मल्टीपल बन जाए ऐड करते जाओ, जो 3 का मल्टीपल बनेगा उसको काट, वही से हमने यहाँ पे की 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो हमने काट दिया, बचा क्या 5, और 5 का रिमाइंडर निकालो 2,
और ये तो आप डायरेक्ट भी करके जा सकते हो, जैसे क्या है 15 11 है और 3 से डिवाइड करना है तो 15 होता है, मतलब ये कट गया, बचा क्या 11, मतलब 11 3 3 9 होता है, मतलब 2 आ गया ना रिमाइंडर, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर 2 आ गया, और नहीं तो हम ये ट्रिक भी कर लेंगे तो चुटकियों में आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारे समस्या नहीं है, समस्या हम रिमाइंडर निकालने के बाद अब क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड अब क्या हमने जैसे पहले अभी देखा था इसी वीडियो में क्या करते थे, जो रिमाइंडर आया उसको पावर निकाल देते थे, उसकी पावर मतलब उसकी पावर निकाल लेते थे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड पावर 10 है, लेकिन फ्रेंड अगर आप CS के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि 2 की पावर जो 10 होती है वो होता है 1024। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CS वाले स्टूडेंट का कहाँ से लेना देना आ गया, फ्रेंड मैं बताता हूँ ना कि कहाँ से लेना देना आ गया है CS वाले स्टूडेंट का। तो फ्रेंड अगर आप CS के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता होगा कि 1 GB इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1024 MB। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपको भी पता है, आप CS के भी नहीं है तब भी पता है, तो फ्रेंड अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस यही ये ट्रिक है फ्रेंड, इसी की हेल्प से मैं इसको याद किया हूँ। आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं, नहीं निकाल भी सकते हैं, मैंने क्या किया याद किया कि 1 GB जो होता है 1024 होता है, ये तो याद ही रहता है, कुछ दिक्कत नहीं, और ये हम जानते हैं कि ये जो होता है 2 की पावर 10 होता है, बस यही होता है, यहाँ से मुझे याद हो गई। आप भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लीजिए, कुछ टिपिकल चीज़ों को जो बहुत यूज़फुल होते हैं उनको याद करने का कुछ तरीका ढूंढ लीजिए जिससे कि याद हमारा आसानी से हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से याद किया, आप कुछ और तरीका भी ढूंढ सकते हैं, ठीक। तो वो तो बात हो गई, तो हमारा क्या आ गया 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है हमारा 1024। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको अभी अभी जस्ट ट्रिक बताई ना 3 से रिमाइंडर निकालने वाले, कुछ नहीं 4 2 6 होता है, मतलब कट गया, बचा क्या 1, तो 1 ही हमारा इसका रिमाइंडर होगा। सिंपल है ना फ्रेंड, एकदम आसान सा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ तो मान लो 2 की पावर 10 ही था, अगर बड़ा नंबर हो गया जैसे ये देखो यहाँ के तो रिमाइंडर निकालेंगे, अगर ये जैसे 27 है तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे 5 से डिवाइड करके, तो क्या आएगा 2 आएगा क्योंकि 25 होता है, 2 आ गया रिमाइंडर। अगर निगेटिव रिमाइंडर भी मान लो लेके चले तो -3 आएगा क्योंकि 5 6 30 होता है, तो -3 अगर, लेकिन फ्रेंड यहाँ दोनों जो है नंबर इनका हमें पावर 120 निकालना है, जो कि भगवान के चलो असंभव वाला काम है, बहुत बड़ा हो जाएगा, पहाड़ तोड़ने वाला काम हो गया, तो कैसे करेंगे, हो गए ना दिक्कत। तो फ्रेंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए बस आपको ये राइट साइड में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन फ्रेंड जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।